हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ बीटा HCG के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि एज अ ट्विन मॉम आप सभी लोगों को पता है कि मैं जुड़वा बच्चों की माँ हूँ। मेरी खुद की बीटा HCG रिपोर्ट क्या आई थी, क्या चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग लगी, मैं अपनी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के साथ नए हैं या फिर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये बीटा HCG आखिर होता क्या है। बीटा HCG को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान ही प्लेसेंटा के थ्रू ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में मदद करता है, क्योंकि ये अच्छे से उसकी लाइनिंग बनती है जो यूटेरस होती है, जहाँ कि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो 9 महीने की जर्नी कंप्लीट करने के लिए जब वो इम्प्लांट होता है तो यूटेरस की लाइनिंग जो होती है उसको काफ़ी मजबूत होना पड़ता है उसको पूरे 9 महीने की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो हार्मोन है उसको इस चीज़ के लिए मदद करता है। तो इसमें जो शॉकिंग फैक्ट्स जो मुझे ये लगा वो होता है कि स्टार्टिंग जब भी आपकी प्रेगनेंसी, जब बिफ़ोर यू मिस्ड योर पीरियड, इसकी जो लेवल होती है हर एक 48 घंटे 72 घंटे में ये सीधे डबल हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट है, और ये डबल हो जाती है, और इसका रेंज है वो कम्प्लीटली बढ़ते रहता है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, लेकिन इसके बाद इसकी रेंज नॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है, एक स्टैटिक पोजिशन चलती रहती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और कुछ मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शो करूंगी और आपको उसकी नॉर्मल रेंज भी बताऊंगी और मेरी क्या रिपोर्ट आई थी वो बताऊंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरी बीटा HCG की रिपोर्ट है, जिसमें ये वीक टू वीक वाइज लिखा होता है कि इसमें कितने वीक पर बीटा HCG किस रेंज में रहता है। तो उस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस जिस तरह से अगर लेवल बढ़ता है ब्लड के साथ साथ ये यूरिन में भी आता है, जिससे कि हम होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि 12714 मेरी आई थी रीडिंग, जो कि जस्ट मेरे 4 वीक की ये थी। 4 वीक पे जो रेंज आती है वो थी, तो डॉक्टर्स भी काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें एक शक लगा था कि मे बी शायद ट्विन प्रेगनेंसी है, बट दे आर नॉट श्योर। तो ये मुझे काफ़ी शॉकिंग फैक्ट लगी कि इतना ज़्यादा बहुत इंक्रीज था। तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट आपके साथ ज़रूर शो करनी चाहिए। तो आप वीडियो को पाउज करके नॉर्मल रेंज देख सकते हैं कि आपकी क्या रेंज आ सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड। और अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है twins_myworld। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक देख सकते हैं, तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।